फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता। आज मैं आपको रसभरी के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, देसी रसभरी। आपने देखा होगा खेते खलिहान में आपस में कहीं भी उग जाती है ये, जिसको खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहीं भी उग जाती है। लेकिन इसके हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ रसभरी के बारे में, जो कहीं भी खेत में खाली जगह में या खाली प्लॉट में कहीं भी उग जाता है। एक तो वैसी भी अमूलन होती है जो बिना छिलके की होती है। ये ऐसी है कि इसमें ऊपर कवर रहता है, ये कवर में बंद हो। स्वास्थ्य दृष्टि से हमारी बॉडी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, आइए जानते हैं। ये शुगर और डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करती है और मोटापे को भी कंट्रोल करती है। जी हाँ, इसमें दो रंग की पाई जाती है, एक पीले रंग की है जो हाइब्रिड होती है, एक काले रंग की है जो कहीं भी खेतों में या खाली मैदान में मिल जाती है। जो काले रंग की है वो हमारे लीवर और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, ये सब जो है फैट को भी कम करती हैं। और काले रंग की जो छोटी मकोई होती है, ये हमारा मोटापा भी कम करती है, किडनी और लीवर के और हार्मोन्स को भी कम कंट्रोल में करती है। जी हाँ, और सात आठ, जी हाँ, इसकी सात आठ रसभरी लेकर उबाल लें और इसको दो कप पानी में उबाल कर जब एक कप पानी बच जाए तब इसका सेवन करें। इस तरह से करने से ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही भाई। इसमें पॉलीफिनोल और कैरोटीनोइड्स पाया जाता है जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। और इसमें 14% विटामिन पाए जाते हैं जो आईसाइड के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं, उसकी हमारी आईसाइड की कमी को दूर करता है। इसमें प्रेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसी सदी हुई मात्रा में बनाए रखने के लिए मददगार होता है। जी हाँ, और एक काली रसभरी होती है जो कैंसर से बचाव करती है हमारा और हमारे लीवर और किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। एक नई जानकारी निकल के आई है, इसके पत्तियाँ, जी हाँ, इस रसभरी की जो पत्तियाँ हैं वो हम अगर सफ़ेद दाग पर लगाएं तो इसके हमारी लाइफ में बहुत ही फायदे हैं। जैसे सफ़ेद दाग पर लगाने से धीरे धीरे अगर हम लगातार इसका उपयोग करते रहेंगे तो ये जो है उन दागों को भी ठीक करने में मददगार साबित होती है। जी हाँ, इसमें प्रेक्टिन तो पाया ही जाता है जो फास्फोरस और कैल्शियम को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भी पाया जाता है और इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है, जिससे ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे बाकी बेनिफिट्स बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। जी हाँ, रसभरी का सेवन करने से हड्डियों की समस्याओं में मदद मिलती है। हड्डियों की समस्याएं, हड्डियां मजबूत होती हैं, जैसे किसी की बार बार हड्डियां टूटना, आवाजें करना, इस तरह से जो भी अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है वो इस रसभरी से दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये रसभरी जो दिखाई है ये धीरे धीरे ये काली हो जाएगी। जी हाँ, मार्केट में जो आती है वो पीली है, ये देसी रसभरी है। इसको ये सिर्फ आपको कहीं घास के मैदान में या खेतों में ही मिलेगी। जी हाँ, इसके हमारी बॉडी में बहुत फायदे हैं। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। ना तो इसमें खाद होता है, ना किसी तरह का कोई ऐसा कोई चीज नहीं होती जिसमें जिसके सेवन करने से हमारी बॉडी को नुकसान हो। अगर हम इसका छिलका छीलेंगे, आप देख सकते हैं मैंने कुछ छिलके भी आपको दिखाई हुई हैं, अगर हम इसका छिलका छीलेंगे तो ये, वैसे ये कम पकी हुई है इस समय, ज्यादा पकी हुई, इसको थोड़े दिन के टाइम के लिए रख देंगे हम तो ये काली हो जाएगी, लेकिन जो है इसको खाने से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जो मार्केट में जो मिलने वाली बेरी, येलो कलर की जो बेरीज होती है, उससे इस बेरीज के बेनिफिट्स ज्यादा पाए गए हैं। जी हाँ, ये हमारी बॉडी के आंतों के कैंसर से लड़ने में हमारे शरीर को मददगार है। जी हाँ, इसके हमारे शरीर में आंतों के कैंसर से लड़ने में बहुत फायदेमंद है। अगर किसी को शुगर है, जी हाँ, अगर किसी को शुगर की कोई प्रॉब्लम है या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हर मर्ज की दवा है ये। इसका पंचांग, जी हाँ, रसभरी का पंचांग, इसका पंचांग फूल पत्ता तना फल जड़ सभी, जी हाँ, लीवर के लिए तो रामबाण है ही, ये हमारी किडनी को भी साफ करता है। जी हाँ, अगर किडनी में, लीवर में हमारी किसी भी तरह का पित्त कफ वात जो भी अगर जमा है, तो अगर हम इसके पंचांग का सेवन करते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके ये पित्त को किडनी में, लीवर में से निकाल देता है। तो आप इसका ये जो देसी रसभरी है, अगर ये कहीं भी मिल जाए आपको, जैसे आप घूमने जा रहे हैं, जॉगिंग करने जा रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही मिल गई थी ये, तो मैंने फिर इसको मैं तोड़कर घर पर ले आई, तब मैंने आपको
टेलीस्कोप दिखाया है। मैं वैसे भी पहले से भी इसको खाती हूँ, जी हाँ, क्योंकि इसके खाने के बहुत फायदे हैं। क्या बचपन में आपने भी खाई हो? अगर खाई है और आपको इसका टेस्ट याद है तो आप जानते हैं कि ये थोड़ी सी खट्टी-मीठी सी लगती है और ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर भूल गए हैं फ्रेंड्स तो इसे जरूर खाएं, कहीं भी मिल जाए इसका सेवन करें, बिना छोड़े नहीं, इसको घर ले आए आप। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो हमारे अपच, सूजन, नींद न आना, जी हाँ, इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से हमारे यकृत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, ये सूजन को कंट्रोल करती है। अगर फ्रेंड्स ये हमारे लीवर के अंदर जो पित्त और सूजन की प्रॉब्लम है, अगर पित्त जम जाता है कई बार, ये धीरे धीरे करके उसको निकाल देता है। अगर हम इसके पंचांग का या इसकी पत्तियों का ही काढ़ा बनाकर पिए तो ये हमारे लीवर को स्वस्थ कर देगा और सारा पित्त उससे बाहर निकाल देगा। जी हाँ, ये उत्तेजित कर देता है, इससे उसको पित्त की जो उसके अंदर जो मात्रा है वो बाहर निकल के साफ, पित्त को साफ कर देता है। जी हाँ, निकाल कर साफ कर देता है, ये लीवर को हमारे साफ कर देता है। इसकी पत्तियाँ, इसकी पत्तियों का काढ़ा हमारे लिए एक तरह से जीवन रस बता दूं मैं, और आप ये बवासीर के लिए भी, जी हाँ, आप जान लें कि इसकी पत्तियों का काढ़ा हमारे लिए बवासीर के लिए भी बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। अगर हम नियमित रूप से इसका सेवन करें, एक दो कप पानी में 15-20 पत्तियां उसकी डालकर उसका सेवन करें तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है। आपका बवासीर थोड़े समय में, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, टाइम लगता है, एलोपैथी नहीं है तो इसमें टाइम लगता है, पर ये लाभकारी होती है और बीमारी को जड़ से खत्म करने में ही फायदेमंद है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आसपास पाए जाने वाली चीजें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये आपके आसपास पाए जाने वाली चीजें हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही रेमेडी लेकर आती हूँ जो आपके आसपास पाई जाती हैं। कहते हैं ना, हींग लंगे फिट करी रंग चोखा, जी हाँ, इसमें आपका एक चवन्नी नहीं लगेगी और आपकी बीमारी गायब हो जाएगी।